हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन द कंसिडरेशन ऑफ कैश। इसका मतलब होता है नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। व्हेन द डिबेंचर्स आर अलॉटेड बाय द कंपनी टू वेंडर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन द कंसिडरेशन ऑफ कैश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों का अपने व्यापार के विक्रेताओं को निर्गमन कर देती है, किसके लिए? क्रय प्रतिफल के लिए, तो ये क्या कहलाता है? ऋण पत्रों का किसी अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन, मतलब ऋण पत्रों का नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहलाएगा। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में कि हमने कोई असेट परचेस कर लिया और इसके बाद कंपनी क्या करती है, उसका पेमेंट कैश में नहीं करके किसी डिबेंचर्स के फॉर्मेट में भी कर सकती है, और कई बार पार्शली इन डिबेंचर एंड पार्शली इन कैश भी वो पेमेंट कर सकती है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश। और कई बार किसी चलते हुए बिजनेस को, करंट बिजनेस को अगर कंपनी परचेज कर लेती है तो उसके बदले में भी कंपनी उसको डिबेंचर इशू कर सकती है, तो यही चीज़ कहलाती है अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एंट्रीज करनी पड़ेगी, और वो एंट्रीज आपको जो करनी पड़ेगी वो मैं आपको समझाती हूँ। जो सबसे फर्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी परचेज ऑफ असेट्स के लिए। ठीक है, हमने जो असेट परचेज किया है उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या करनी पड़ेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि असेट हमारे पास आ रहा है इसलिए इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा आपके वेंडर। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट, इसकी नरेशन हम दे देंगे बीइंग असेट परचेज्ड। ठीक है, ये एंट्री हमने कर दी। अब आपको एक और एंट्री है कि अगर आपने असेट परचेज नहीं किया, आपने क्या परचेज किया, किसी बिजनेस को ही परचेज कर दिया, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी, ये एंट्री होगी परचेज ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, वो एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और टू हो जाएगा आपके वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये हमने अगर कोई बिजनेस परचेज किया है तो उसके लिए हम ये एंट्री करेंगे। ठीक है, अब हमने देखा है कि दोनों ही कंडीशन में वेंडर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, मतलब इसको कि क्या करना है, अभी तक पेमेंट करना है। ठीक है, अब वो पेमेंट हम किस में करेंगे, डिबेंचर्स में करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि कंपनी के पास कैश बहुत कम अवेलेबल होता है या फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अपने पास कैश रखना चाहती है, तो वो इन लोगों को पेमेंट डिबेंचर के फॉर्मेट में भी कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम जो मेन थर्ड एंट्री करने वाले हैं वो एंट्री हम डिबेंचर इशू की करने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किसी वेंडर को अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें किस तरीके से वो एंट्री आपको शो करनी है बिजनेस में। ठीक है, अब एंट्री नंबर थर्ड होगी आपकी, अब वेंडर जो कि क्रेडिट था उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इसके आगे इसकी जो भी अमाउंट होगी वो हम लिख देंगे। और अब हम इनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स में, तो टू में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू डिबेंचर्स डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दी। नरेशन में हम दे देंगे बीइंग डिबेंचर इशू टू वेंडर, हमने वेंडर को डिबेंचर इशू कर दिए हैं। आपको पता है ये जो एंट्री है वो डिबेंचर को एट पार, मतलब कि सम मूल्य पर इशू करने की एंट्री है। अगर यही डिबेंचर हमने वेंडर को किस पे किए होते, प्रीमियम पे किए होते, तो एंट्री बिल्कुल यही होती, बस चेंजेस ये होता, वेंडर्स अकाउंट डेबिट और टू हमें क्या लिखते, डिबेंचर एज इट इज। ठीक है, डिबेंचर अकाउंट और टू हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हमने किस पे किया है, एट प्रीमियम पे किया है।
किसको किया? वेंडर को ही किया। बस एंट्री में क्या चेंजेस हुआ, वही एंट्री है, ये एट पार वाली है। अगर प्रीमियम पे क्या है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यही डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए होते तो फिर इस एंट्री में जो चेंजेस होता वो कुछ इस तरह से होता। एंट्री सिमिलर ऐसी ही होगी, बस इसके एक डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और टू आ जाएगा आपके डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, नरेशन सेम ही रहेगी, बिंग डिबेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट। ठीक है, ये हो जाएगा एट डिस्काउंट। तो ये आपके तीन एंट्रीज होगी असेट को परचेज करने की। दूसरी कि वो तो अगर असेट की जगह हमने बिजनेस परचेज किया है तो फिर बिजनेस परचेज वाली असेट की जगह होगी, और अगर असेट परचेज किया तो असेट परचेज करने की होगी, और सेकेंड एंट्री होगी वेंडर को डिबेंचर इशू करने की। सम टाइम क्या होता है कि पार्शली पेमेंट तो हो जाता है कैश में, और पार्शली पेमेंट के लिए हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एंट्री आपको कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। यही एंट्री रहेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और टू में आपके आ जाएगा बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे कि हमें वेंडर को कितने देने थे, 5 लाख रुपीज़ देने थे, और 5 लाख में से हमने 3 लाख के लिए क्या किए, डिबेंचर इशू कर दिए, और 2 लाख के लिए हमने क्या किया, कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री आपके उस टाइम करनी है जब पार्शली पेमेंट इन कैश एंड पार्शली पेमेंट के लिए हमने डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक आपकी कौन सा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्रों का समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। अब ये समपार्श्विक प्रतिभूति क्या होता है, कॉलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। कई बार कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन ले लेती है। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन या कोई कंपनी या कोई बिजनेस बैंक से लोन लेता है तो बैंक उसे ऐसे ही लोन नहीं देता, उसे बैंक को कुछ न कुछ मोर्गेज देना पड़ता है, कुछ न कुछ गिरवी वहाँ पे रखना पड़ता है। तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी लोन की सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकती है, ऋण पत्र भी वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकती है, अपने डिबेंचर्स को वहाँ पर डिपॉजिट करवा सकती है। तो अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को लोन की सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट करवाती है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिबेंचर एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब कि ऋण पत्र जो है वो संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास में इशू कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो डिबेंचर्स होते हैं इनके लिए दो बातें अपन को ध्यान में रखनी होती है। पहली तो ये कि ये जो डिबेंचर्स होंगे इनके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्मेट में वहाँ पे रखे गए हैं, एज असेट्स वहाँ पे रखे गए हैं। और सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी इनका जो इशू करती है वो डिस्काउंट पे करती है। डिस्काउंट पे कैसे करेगी, जैसे कि कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी रहेगी, 6 लाख की, हमेशा डिबेंचर की वैल्यू उससे ज़्यादा रहेगी। अब कंपनी अपनी बुक्स में ऐसा शो करेगी कि उसने इसको क्या किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, ताकि वो लोन की अमाउंट के बिल्कुल इक्वल लगे। ठीक है, और बैंक भी जब भी लोन देती है तो हमेशा जो असेट्स रखती है अपने पास में एज अ मोर्गेज, उसकी वैल्यू लोन की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी है कि कॉलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता है, और दूसरा ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका, कि इस चीज़ को अपन अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर फर्स्ट है कि आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करें। किसकी एंट्री नहीं करें, डिबेंचर को जो कॉलेट्रल सिक्योरिटी में आपने रखा है उसकी आप कोई भी एंट्री मत करें। ठीक है, और सेकेंड आपका मेथड है कि आप इसकी एंट्री करें, लेकिन इन दोनों में से जो ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, जो ज़्यादा बेटर मेथड है, वो ये है कि आप इसकी कोई भी एंट्री नहीं करें। ठीक है, तो अभी इसमें आपको क्या करना है, जब हम कोई भी एंट्री इसकी नहीं करते हैं तो हमको सिर्फ एक एंट्री करनी होती है, और वो एंट्री करनी होती है आपको लोन लेने की। ठीक है, तो एंट्री नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट
डेबिट, टू बैंक लोन। ये आपके एंट्रीज की हो जाएगी बैंक लोन को लेने की, ठीक है। अब आपको जो आपने कॉलेट्रल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स रखे हैं इसकी आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी, बस आपको इसका एक रिप्रेजेंटेशन देना है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आपको लोन की अमाउंट के साथ में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जो लोन है वो डिबेंचर से क्या है, सिक्योर्ड है। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में देखते हैं कि कैसे करना होगा। मैं आपको एक बैलेंस शीट का परफॉर्म है, मैं इसको शो करके बताती हूँ। सपोजिवली ये हमारे कंपनी की बैलेंस शीट है एज ऑन डेट, ठीक है। मैंने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया। इसमें जो फर्स्ट हेड आएगा वो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये इसका फर्स्ट हेड। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड, ये शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। सेकेंड अपन ले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ए पॉइंट होगा सिक्योर्ड लोन और बी होगा अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन के अंदर हमको क्या करना है, इस बैंक लोन को क्या करना है, शो करना है। क्यों सिक्योर्ड है ये, क्योंकि इसके लिए अपन ने डिबेंचर रखे हुए हैं एज ए मॉर्गेज, ठीक है। तो जो भी लोन आपके पास सिक्योर्ड रहेंगे वो आप सिक्योर्ड लोन के अंदर लिखोगे। तो हमने अभी जो बैंक लोन लिया है वो भी क्या है, हमारा सिक्योर्ड है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है लोन जैसे सपोजिवली मैंने कितने का लिया है, 5 लाख का लिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या अमाउंट शो कर दी, लोन की अमाउंट शो कर दी। यहाँ पे हमेशा किसकी आएगी, लोन की अमाउंट आएगी, ठीक है। और इसके नीचे एक ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखना है कि 6000 डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 ईच इशूड एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी। ये आपको एक इसके नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी। अब आप ये देखोगे कि 6000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ वाले हैं, तो डिबेंचर की अमाउंट तो कितनी हो रही है, 6 लाख हो रही है, लेकिन हमारा लोन कितना है, 5 लाख का, ठीक है। बस आपको यही करना है डिबेंचर एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी में, कोई एंट्री नहीं होगी इसको, बस आपको सिर्फ इस लोन के नीचे ब्रैकेट में आपको इसको शो करना है, ठीक है। तो ये है आपका डिबेंचर एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।